हेलो, हेलो। यस हमारी गुड आफ्टरनून सर। मोनिका बात कर रही है एक्सिस क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, लेकिन अभी मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो सुन के शायद आप बढ़िया ना हो। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मान लीजिए आप यूं ही एक दिन बैठे हो और अपने भाई या बहन से या फिर दीदी से बात कर रहे हो, व्हाट्सएप पे चैटिंग चल रहा है और साथ ही में वहाँ पे कुछ चैटिंग के साथ साथ कुछ फनी वीडियोस का लिंक भी शेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, जैसे हम लोग करते हैं। कभी कभी क्या होता है, हम कभी फेसबुक पे या फिर इंस्टाग्राम पे जब कोई वीडियोस देखते हैं, कोई फनी मोमेंट्स देखते हैं, तो उनको कोई फ्रेंड के साथ, कोई करीबी इंसान के साथ बहुत जल्दी वो शेयर करते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है और ये नॉर्मल सा बात है। उसी तरह उस दिन भी क्या हुआ, आप बैठ के जब चैटिंग कर रहे हो अपने भाई के साथ या फिर फ्रेंड के साथ, अचानक वहां से उसके तरफ से एक लिंक आता है और उस लिंक को आप सोचते हो कि ऐसे ही कुछ रील्स का या फिर नॉर्मल फनी वीडियोस का लिंक है और वहां पे आप क्लिक कर देते हैं। और जैसे आप उस पे क्लिक करते हैं, तुरंत ही दोस्तों आपका फोन में 20,000 20,000 25,000 का 3-4 ट्रांजैक्शन हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब आप बताओ आपको कैसा लगेगा जब आपके फोन से ऐसे 2-3 ट्रांजैक्शन हो जाएगा 20,000 का, तो आपको कैसा लगेगा या आपको कैसा फील होगा? अब मैं आपको बताता हूँ कि वो लिंक के बारे में आपको बाद में पता चलता है कि जो आपका भाई वो लिंक दिया है उसे वो लिंक कोई ऐप भी स्क्रॉल करते करते मिला है, कुछ अच्छा ऑफर दिखा है उसे और उसे लगा कि वो ऑफर वो आपको देना चाहता है, तो वो इसीलिए आपका अच्छे के लिए वो लिंक आपको शेयर किया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि उसका ऐसा केस नहीं हुआ पर आपका कैसे हो गया? उसका इसलिए नहीं हुआ कि उसका फोन में क्रेडिट कार्ड या फिर डेबिट कार्ड उसके फोन के साथ अटैच नहीं था। ये केस आपके केस के साथ नहीं मिलता है। आपके केस में क्या है कि आपके केस में आपके फोन में डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हो और वो आपके फोन के साथ अटैच रहता है, तो आप जब उस लिंक पे क्लिक किए तभी दोस्तों ऑटोमेटिकली ये ट्रांजेक्शन हो गया। दोस्तों आप और हम जैसे इंसान क्या सोचते हैं कि जब हम क्रेडिट कार्ड की डिटेल शेयर करते हैं सामने वाले इंसान के पास या फिर ओटीपी शेयर करते हैं तभी हमारे साथ फ्रॉड होने का चांस होता है, लेकिन यहाँ पे एक लिंक आता है, उस लिंक पे सिर्फ क्लिक करने से ही आपके साथ इतना बड़ा फ्रॉड हो सकता है, ये क्या आपको पता है या फिर मुझे पता है? ये नहीं पता है ना। अब सोचो उस लिंक पे क्लिक करने से पहले अगर आपके पास ऐसा कोई वीडियो आ जाता, आप हमारे इस वीडियो को या फिर और किसी के भी ये वीडियो अगर देख लेते, क्या आप उस लिंक पे क्लिक करते? नहीं करते ना। जी हाँ दोस्तों, मैं भी नहीं करता। मैंने जो अभी 40,000 गवा चुका हूँ वो मेरा बच जाता। जी हाँ दोस्तों, मेरा 40,000 का फ्रॉड हो चुका है मेरे साथ, खुद के साथ। कितना तारीख को? 14 अक्टूबर। अभी के लिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे साथ फ्रॉड नहीं हुआ है। आप यहाँ पे ये जीडी देख लो, इसे दोस्तों जीडी नंबर कहा जाता है, जीडी एंट्री कहा जाता है। जब आपके साथ कोई साइबर क्राइम होता है, आप जब साइबर क्राइम में अपना कंप्लेन करते हो तब आपको ये स्लिप दिया जाता है। तो ये चीज अभी आप देख लो ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ये ऐसे ही नहीं बोल रहा। बाकी चीज मैं आपको सारा प्रूफ दूंगा, मेरा दोस्तों ट्रांजेक्शन आई डी, ट्रांजेक्शन जितने भी रेफरेंस आई डी, मर्चेंट नेम, सारा डिटेल्स दूंगा। क्या लेटर लिखा है, क्या कंप्लेन किया है, किस साइट में किया है, किससे बात हुआ है, क्या कॉल डिटेल्स है, सारा चीज आपको दूंगा, ठीक है? जी हाँ, रिसेंटली मेरा 2-3 दिन हो रहा है और मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। मैं किस हालत में हूँ, मैं किस लम्हा से गुजर रहा हूँ ये मैं आपको बता के नहीं समझा सकता, लेकिन मैं मतलब अभी क्या ही बताऊँ, मैं आपको आगे आगे जैसे बताऊंगा आपको पता चलेगा क्या हुआ है। दोस्तों और एक बात, आज का ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है, कितना बड़ा होने वाला है, इसका लेंथ क्या है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ है, दुर्घटना घटा है, उसके सारे डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँ। मेरे साथ कैसे हुआ, होने के बाद क्या हुआ, क्या क्या मैंने किया है, मेरे साथ क्या क्या चीज़ मैंने मुझे झेलना पड़ा है, वो सारा चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये वीडियो अगर लंबा हो, आपको अगर ये वीडियो बोरिंग लगे तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो या फिर अभी छोड़ सकते हो, पर मैं एक गारंटी आपको दे सकता हूँ कि आप अगर ये वीडियो देख लेते हैं आज, तो आपके साथ इन फ्यूचर कभी भी कोई भी बड़े से बड़े दोस्तों साइबर क्राइम, फ्रॉड, मनी फ्रॉड ऐसा चीज नहीं होगा, स्कैम से आप बच जाओगे और साथ ही में दोस्तों आप अपने फैमिली, अपने रिलेटिव को भी बचा सकते हो, आप अपने पैसे गंवाने से आप खुद को रोक सकते हो। काश दोस्तों ऐसे मुझे कोई समझाया होता तो आज मैं समझ गया होता, मेरा जो दोस्तों पैसा चला गया है आज वो वापस नहीं आएगा, मुझे पता है। पर दोस्तों मैं यही नहीं चाहता कि मेरे साथ जो चीज हुआ है वो आपके साथ भी हो, मैं जो जो चीज झेल रहा हूँ वो चीज आप ना झेले, इसीलिए दोस्तों ये वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप में से अगर कोई ऐसे हैं जो दोस्तों ये वीडियो देख रहे हैं और आपके साथ ऐसा चीज पहले हो चुका है और आप दोस्तों अपने पैसा रिकवर करने में सक्सेसफुल हैं,
तो आप जरूर मुझे हेल्प करें। मुझे आपकी हेल्प चाहिए क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में हूँ। अगर ऐसा कोई सोल्यूशन है, आप इस वीडियो को पूरा देख लें। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ चीज़ मिसिंग कर रहा हूँ, मुझे आपको कुछ बताना है, सजेस्ट करना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे सजेस्ट करें, कमेंट करें। मुझे आपके सच में दोस्तों बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट मी दोस्तों, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम में फेस कर रहा हूँ। 40,000 के बराबर भी लगते हैं दोस्तों हमें, क्योंकि हम एक बहुत ही पोअर फैमिली से बिलोंग करते हैं और 40,000 इनकम करने में दोस्तों साल साल भर निकल जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों 100 रुपये कमाने में इतना ज़्यादा मेहनत लगते हैं और यहाँ पे 40,000 जस्ट 2 मिनट में चुटकी से दोस्तों उड़ा ले जाते हैं ये फ्रॉड वाले। तो बहुत ही दोस्तों बुरा लग रहा है मुझे। आप अगर मुझे हेल्प कर सकते हो जरूर हेल्प करें। कोई सजेशन देना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, लेकिन पूरा वीडियो को जरूर देख ले पहले। और एक बात मैं हमें बताना चाहूँगा कि हम यूट्यूब वगैरह में, फेसबुक वगैरह में काफ़ी वीडियोज़ देखते हैं, लाखों हज़ारों वीडियोज़ है, स्क्रॉल करते करते हर रोज़ देखते हैं, लेकिन ऐसा कोई वीडियो क्यों नहीं बनाता यार, ऐसा कोई वीडियो क्यों नहीं बनाता है। अगर कोई बनाता ऐसा वीडियो, अगर ऐसा वीडियो मुझे दिख जाता तो शायद मेरे साथ ऐसा फ्रॉड नहीं होता, मैं बच जाता यार, मेरा 40,000 रुपया जो गया है वो पैसा बच जाता। तो यूट्यूबर से मेरा रिक्वेस्ट है कि कोई कोई दोस्त ऐसे भी वीडियो बनाया करो। और मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, अभी मेरा स्टार्टिंग फेस है, लेकिन मैं, मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरे दिमाग में ऐसा दोस्तों अभी आया है कि मेरे साथ अगर हुआ है, हाँ मैं सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, पूरा तो नहीं जानता, लेकिन जितना जानता हूँ इनफ है, फ्रॉड से बचने के लिए इनफ है। मेरे साथ अगर ऐसा चीज़ हो सकता है तो आपके साथ तो डेफिनेटली हो सकता है, मुझे ये लगता है। और इसीलिए दोस्तों आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। आज तक ऐसा कोई वीडियो दोस्तों यूट्यूब में नहीं है जो कि फुल प्रूफ के साथ आपको दिखाया गया है, समझाया गया है। अगर ऐसा वीडियो दोस्तों होता तो आप भी बच जाते, बच गए होंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो आप देख रहे होंगे तो आपके साथ कभी ऐसा नहीं होगा, पर मेरा साथ दोस्तों हो चुका है। काश मैं दोस्तों ऐसा वीडियो पहले देख लिया होता, कोई ऐसा वीडियो दोस्तों बनाया होता जिससे दोस्तों मुझे पता चलता। खैर छोड़िए, जो हो चुका है वो तो हो चुका है, पैसा मेरा चला गया है, पर मैं चाहता हूँ किसी के साथ भी ऐसा चीज़ ना हो। दोस्तों यहाँ पे हम सभी को यही पता होता है कि हमारे पास कॉल्स आते हैं, कॉल्स करके दोस्तों हमारे क्रेडिट कार्ड के बारे में पूछा जाता है, डिटेल्स मांगा जाता है। उसके अलावा क्या मांगा जाता है दोस्तों? ओटीपी। ये ओटीपी शेयर करने से फ्रॉड होते हैं, यही पता है। और जो बैंक वगैरह होते हैं वो भी हमें यही समझाते हैं, लेकिन किसी ने दोस्तों ये लिंक के बारे में आज तक नहीं बताया कि हाँ लिंक में भी दोस्तों ये फ्रॉड होते हैं। ये लिंक का जो प्रोसेस आप देख रहे हो ये पूरा न्यू प्रोसेस है। चलो दोस्तों हमें तो नहीं पता था ऐसा हुआ, आपको भी मेरे ख्याल से अभी तक तो नहीं पता होगा। 100 में से दोस्तों 90% को नहीं पता कि ये लिंक से भी होता है। और आप अगर हमारी वीडियो देख रहे हो तो आपको अभी पता है, तो आप इससे बच सकते हो। दोस्तों मैं भी ये कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे पास एक लिंक आएगा और उस लिंक पे क्लिक करने से मेरा 40,000 तक दोस्तों चला जाएगा, मैंने कभी नहीं सोचा था। और एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा कि मेरा कार्ड जो था, क्रेडिट कार्ड, वो नया था, तो उसका क्रेडिट लिमिट 50,000 था। 50,000 रहते हुए दोस्तों मेरा 40,000 का फ्रॉड हो गया। अब मान लीजिए दोस्तों जिसका पुराना कार्ड है, जो बहुत दिन से यूज कर रहे हैं, उसका तो दोस्तों 5 लाख भी हो सकता है क्रेडिट लिमिट। अब उस 5 लाख में कितना ज्यादा फ्रॉड हो सकता है आप ये अंदाजा लगा सकते हो। मैं तो सपना में भी नहीं सोच सकता था और अभी भी मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मेरे साथ दोस्तों इतना बड़ा फ्रॉड हो चुका है, सही बता रहा हूँ मैं। अब सोचिए कि मैं कौन सा मतलब दौर से गुजर रहा हूँ, ये जो वक्त है ना, ये जो तकलीफ है, ये सिर्फ मैं ही समझ रहा हूँ। और मेरे साथ दोस्तों वो समझ सकते हैं जिनके साथ ये चीज़ हो चुका है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मैंने भी काफ़ी दोस्तों फ्रॉड का केस सुना था आज तक, मैं कभी दोस्तों गौर नहीं किया, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट में नहीं लिया था, लेकिन जब आज मेरे साथ हो गया ना, तब मैं मतलब पागल सा हो गया, मेरा जस्ट हाथ दोस्तों कांप रहा था जब ये चीज़ मैंने देखा कि ट्रांजैक्शन 2 हो गया। मेरा आँख से आंसू निकल रहा था दोस्तों, रुक नहीं रहा था कि मैं क्या करूँ, जस्ट फोबिया हो गया। अभी तो मेरा ऐसा हो चुका है कि कोई भी लिंक अगर मुझे कोई शेयर कर रहा है, कोई भी लिंक मैं देख रहा हूँ, तो वहाँ से एक डर सा लग रहा है, जैसे पानी से बहुत किसी को डर लगता है ना, ठीक उसी तरफ दोस्तों लिंक से मुझे डर लग रहा है। कोई भी लिंक मैं देख रहा हूँ तो उसको क्लिक तो दूर का बात, मुझे एक डर सा लग रहा है। आप समझ सकते हो कि मैं कौन सा दौर से गुजर रहा हूँ। अब दोस्तों मैं अपना पूरा स्टोरी आपको बताने वाला हूँ विद प्रूफ। मेरे पास सारा प्रूफ है, सारा स्क्रीनशॉट है, सारा डिटेल्स है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बस दोस्तों आपसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी आपको यूजफुल लगता है तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, आप जिन्हें भी दोस्तों प्यार करते हैं, जिन्हें भी दोस्तों आपका केयर है, उन्हें दोस्तों ये वीडियो शेयर करें। ये वीडियो को दोस्तों शेयर करने से क्या होगा, आप खुद भी दोस्तों बचोगे, आप दूसरों को भी बचा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें।
हो सकता है आज मेरे साथ हुआ है, ये कल आपके साथ भी हो सकता है, या फिर आपके कोई फ्रेंड के साथ हो सकता है, आपके रिलेटिव के साथ हो सकता है, किसी के साथ भी ऐसा चीज हो सकता है। इसे रोकना बहुत ही जरूरी है, और रोकने का दोस्तों काम हमसे स्टार्ट हो रहा है, आपसे स्टार्ट हो रहा है, ये दोस्तों स्प्रेड करना बहुत ही जरूरी है। और रही दोस्तों मेरा बात, तो मेरा बात छोड़ो, मैं बहुत ही बुरा हाल से दोस्तों गुजर रहा हूँ, अब मैं क्या ही बताऊँ, आप मेरा चीज आई डोंट नो समझ पा रहे हो कि नहीं। मेरे लिए दोस्तों अभी 1000 भी बहुत ज्यादा है, 1000 एक लाख के बराबर है, मैं जो सिचुएशन से पार हो रहा हूँ, और वहाँ पे मेरा 40,000 का फ्रॉड मेरे साथ हो चुका है। पर आप अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं दिल से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बस मेरा इतना ही गुजारिश है, बाकी दोस्तों आपका मन है। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना ज्यादा टान क्यों रहा हूँ वीडियो को, मैं अपना स्टोरी क्यों नहीं बता रहा। मैं चाहता तो वीडियो का शुरुआत में ही मैं अपना पूरा स्टोरी बता सकता था शुरू से, ठीक है, लेकिन मैं दोस्तों मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा स्टोरी बताना मेरा काम नहीं है। मेरा काम जो है वो है आपको अवेयर करना, आपको समझाना पहले कि क्या चीज हुआ है। मैं इसीलिए दोस्तों एग्जांपल दे दे के आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। मेरा स्टोरी तो मैं बताऊंगा ही, आप चाहो तो पूरा जो देख रहे हो वीडियो उसको स्किप करके देख सकते हो, आपके पास ऑप्शन भी है। वीडियो पूरा देखना है ये तो आपको कोई बताया नहीं है, आप अगर देख रहे हो वीडियो तो आपको जानना है, आपको दोस्तों ये वीडियो इंपॉर्टेंट लग रहा है तो ही आप देख रहे हो, ठीक है। इसलिए दोस्तों आपको समझाने के लिए सिर्फ इतना ज्यादा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। अब मैं आपको पूरा दुर्घटना की बात बताता हूँ। तो बात है ऐसा कि कुछ दिनों से मैं सोच रहा था कि एक क्रेडिट कार्ड ले लूँ, और दुर्गा पूजा से पहले मैंने एक क्रेडिट कार्ड लिया, ठीक है, एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, फ्लिपकार्ट का जो अभी ऑफर चल रहा था। अब क्या हुआ कि मेरा नया कार्ड आया, नया कार्ड आते ही एक महीने के अंदर दोस्तों मेरे पास काफी सारा फ्रॉड कॉल आने लगा। वो फ्रॉड कॉल में मुझसे दोस्तों मेरा क्रेडिट कार्ड का जो डिटेल्स वगैरह है वो मांगा गया। अब मैं तो समझ गया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रॉड का चक्कर है, मैं इतना समझता हूँ। मैंने क्या किया कि उस कॉल्स को अवॉइड करने लगा। वो कॉल्स तो मेरे पास काफी सारा आए, लेकिन मैं आपको एक सुनाता हूँ ताकि आपको ये समझ में आए अच्छे से। आप इस कॉल को ध्यान से सुनना। हेलो। हाँ हेलो, ये वेरी गुड आफ्टरनून सर, मोनिका बात कर रही है एक्सिस क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से। क्या बोल रहे हो सर, आवाज आ रही है आपको? हेलो। हाँ बोलिए सर, एक्सिस क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से बात कर रही हूँ मोनिका। आप एक्सिस का कार्ड यूज करते हैं राइट सर? सर इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग आपको कॉल रिसीव करवाई गई है, आपका जो SBI का। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। जी सर, आपका जो एक्सिस का क्रेडिट कार्ड है सर, उसमें आपको वाउचर दिया गया है एक्सिस डिपार्टमेंट से जुड़ने के लिए। 4998 आपके रिवॉर्ड पॉइंट से 4998, 1 पॉइंट की 1 रुपए वैल्यू रहेगी, 4998 रुपीज आपके कार्ड में एक्टिवेट किया जाएगा। 24 घंटे के अंदर वाउचर आपके कार्ड में एक्टिवेट किया जाएगा, 90 दिन तक आप इन्हें यूज कर सकते हैं, आपको कोई चार्ज पे नहीं करना पड़ेगा। ये आपको एक्सिस डिपार्टमेंट से जुड़ने के लिए एज अ वेलकम गिफ्ट दिया गया फ्लिपकार्ट पे, ठीक है। फ्लिपकार्ट का 500 का वाउचर अभी तक मुझे मिला नहीं है। हाँ हाँ सर, वो वाउचर भी आपका एक्टिवेट किया जाएगा फ्लिपकार्ट साइट से। कंफर्मेशन के लिए सर एक बार आप मुझे अपना डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करवाइए, अपनी जन्म तिथि सर। 20 जनवरी सर। 20 जनवरी आगे 1999। ओके सर, वेरीफाई करवाई गई, धन्यवाद सर। जान सकती हूँ सर कार्ड वेरिफिकेशन के लिए कार्ड अवेलेबल होगा अभी आपके पास? कार्ड नहीं अवेलेबल नहीं। हाँ जी, क्या बोल रहे हो सर? कार्ड होगा अभी आपके पास अवेलेबल ताकि आपका ये वाउचर एक्टिवेट करवाया जा सके हमारी साइट से? नहीं अभी तो नहीं है, अभी नहीं है कार्ड। ओके ओके सर, कोई इशू नहीं है। कब तक कार्ड कैरी कर लेंगे फिर आप? रात तक, अभी तो बाहर हूँ सर। एक्चुअली देखिए, माफी चाहूंगी, 6 बजे सर्वर क्लोज हो जाता है, उससे पहले आप कार्ड कैरी कर पाएंगे अपना? क्या चाहिए कार्ड का, क्या चाहिए सर? आपके कार्ड की वेरिफिकेशन की जाती है वाउचर एक्टिवेशन के लिए, आपको अपने कार्ड की फुल डिटेल्स वेरीफाई नहीं करवानी है, हाफ वेरिफिकेशन आपकी साइड से की जाएगी। 20% डिटेल्स आपको शेयर करनी है, 80% डिटेल्स बैंक आपको शेयर करेगा। क्या क्या बताइए सर? उसके लिए सर आपका कार्ड का होना जरूरी होता है ना वाउचर एक्टिवेशन के लिए, आप मुझे बता दीजिए पहले कब तक कार्ड कैरी कर लेंगे, उस टाइम आपको कॉल अरेंज हो जाएगा सर। 2 घंटा। ओके ओके सर, कोई इशू नहीं है, 2 घंटे बाद आपको कॉल आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। तो आपने रिकॉर्डिंग को सुना, अब आप मुझे बताओ इसमें से आपने कुछ नोटिस किया क्या? आपने अच्छे से नोटिस किया इस कॉल रिकॉर्डिंग में कुछ ऐसा चीज था जिससे आपको भी दोस्तों
समझ में आ जाएगा कि ये फ्रॉड कॉल है। अभी तक नहीं समझ में आया ना, अगर समझ में आया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। चलिए, यहाँ पे जिस मैडम ने मुझे कॉल किया था उन्होंने पहले कहा कि उन्होंने दोस्तों एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से कॉल किया है, फिर अचानक बीच में वो बोलने लगा कि हमने जो आपको SBI कार्ड दिया है। अब ध्यान से सुनो फिर से, आप अगर चाहो तो इस वीडियो को थोड़ा सा बैक करके फिर से सुन सकते हो कि इसी जगह पे दोस्तों मुझे डाउट हो गया था और मैंने इसलिए उन्हें कार्ड के डिटेल्स नहीं दिया जबकि कार्ड मेरे पास था। दोस्तों यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा जब मेरे पास हो गया, बहुत सारा कॉल्स आ गया, मैं समझ गया और मैंने दोस्तों इसको अच्छे से अवॉइड भी किया, काफी सारा नंबर ब्लॉक भी किया और उनके पास दोस्तों काफी नंबर्स होते। अब यहाँ पे क्या हुआ, अचानक से 14 अक्टूबर की बात है, रात 9 बज रहा था, मैं अपना एक बहन से बात कर रहा था, ठीक है, बात नॉर्मली हो रहा था और उस बीच में दोस्तों कुछ फनी वीडियोस का दोस्तों लिंक भी शेयर हो रहा था सुबह से, जैसे एज यूजुअल होता ही है। मैंने आपको पहले ही कहा कि हम ऐसे कुछ वीडियोस देखते हैं अचानक से, वो अच्छा लग जाता है, उसका लिंक हम दोस्तों अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड्स को, अपने दीदी को, भाई को भेज देते हैं ताकि उन्हें भी अच्छा लगे, थोड़ा सा स्पेशल फील हो, दैट्स व्हाई। अब यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे बात करते 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 अचानक से 9:30 बजा और मुझे जाना पड़ा मार्केट। अब मार्केट से मुझे आते आते 2 घंटा हो गया, उसके बाद दोस्तों मार्केट में 10 बजे घर आ गया। घर आके दोस्तों मैं थोड़ा सा फ्रेश हुआ, फ्रेश होने के बाद मैं डिनर करने बैठ गया। हमारा एक बहुत गंदा स्वभाव है कि खाना खाते खाते फोन चलाना, और यही चीज है कि हम जब खाना खाते खाते फोन चलाते हैं तो उतना ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते कि किस में क्या क्लिक कर रहे हैं। उस दिन भी ऐसा ही मैं खाना खाने बैठा। अब खाना खाते खाते जब व्हाट्सएप में मैं उसके साथ फिर चैट करने लगा तो मैंने देखा कुछ मैसेजेस है और उसके नीचे एक लिंक है, तो मुझे लगा वो लिंक दिया होगा कोई गाना वगैरह का है या फिर कोई दोस्तों फनी वीडियो का होगा, मैंने क्लिक कर दिया। जैसे उस लिंक पे क्लिक किया, गोल गोल राउंड घूमने लगा, मुझे लगा कि ये ओपन होने में थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम होगा या फिर नेट प्रॉब्लम होगा, और फिर मैंने पानी पीने गया। अब आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों कि ये 1 मिनट में जैसे ही मैंने लिंक पे क्लिक किया वहां पे कुछ भी मुझे कुछ भी शेयर नहीं करने को कहा गया, ना ही OTP, ना ही बैंक डिटेल्स, ना ही क्रेडिट डिटेल्स, ऑटोमेटिकली ट्रांजेक्शन हो गया, 40,000 ट्रांजेक्शन हो चुका। तुरंत दोस्तों मैंने क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक किया SMS के द्वारा, ठीक है, तुरंत SMS किया, ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे मेरा कहना है कि जब मैं दोस्तों ये क्रेडिट कार्ड का जो मेरा ट्रांजेक्शन में जो दिखा कि ट्रांजेक्शन हो रहा है इतना, मेरा तो होश पसीना उड़ गया, मेरा हाथ कांपने लगा कि हो क्या रहा। अब खुद सोचो कि आपका ऐसा अगर हो तो आपको कैसा फील होगा, मतलब मेरा एकदम माइंड एकदम उड़ गया पूरा, मतलब होता है ना कि पैरों का नीचे सब जमीन घिसक जाना, बस वही चीज हुआ। अब मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे साथ फर्स्ट टाइम हुआ, मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। मुझे लगा था कि दोस्तों OTP शेयर करना पड़ता है, क्रेडिट कार्ड का सू डिटेल्स देना पड़ता है तभी होता है, लेकिन लिंक पे क्लिक करते ही कि ऐसा हो जाएगा मुझे बिल्कुल भी ऐसा अंदाजा भी नहीं था, सपना में मैं सोच नहीं सकता, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे मेरा ये चीज हो गया, अब यहाँ पे मैं 1 घंटा तक बहुत परेशान रहा, कॉल करने की कोशिश किया एक्सिस बैंक का जो सपोर्ट टीम है, लेकिन कॉल लग नहीं रहा था क्योंकि ये 10 बजे मेरे साथ घटना घटा था और एक्सिस बैंक सपोर्ट टीम का वहाँ पे लिखा हुआ है। अब एक्सिस बैंक का सपोर्ट जो टीम है वहाँ पे 24 आवर्स लिखा हुआ आपका कार्ड के पीछे, लेकिन आप जब उन्हें कॉल करोगे तो वहाँ पे कहा जाता है कि आप सुबह 8 बजे से लेके रात 8 बजे तक ही उन्हें कॉल कर सकते हो। अब मुझे लगा कि ऐसा कुछ होगा और मैं कॉल पे कॉल करता गया लेकिन वहाँ पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद मैंने दोस्तों हार नहीं माना, मुझे और 2-3 नंबर मिला, वहां से मैंने कॉल किया। अब कॉल करने के बाद रात 12 बजे के करीब मेरा कस्टमर केयर से एक बार बात हुआ। अब जब रात 12 बजे फाइनली मेरा बात हो रहा है एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट से, तब उन्होंने मेरा कंप्लेंट लिया, मुझे अपना रिक्वेस्ट नंबर भेजा गया, उन्होंने कुछ दोस्तों फॉर्म मुझे भेजा ईमेल के द्वारा, कुछ दोस्तों इन्वेस्टिगेशन की बात किया, ठीक है, ये सब मुझे हुआ। अब मुझे यहाँ पे कहना है कि ये जो फ्रॉड था ये तो मेरे साथ हो चुका, 40,000 मेरा जा चुका है। अब जो यहाँ पे फ्रॉड हुआ है, यहाँ पे कितना ट्रांजेक्शन हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ। 40,000 का दोस्तों मेरा फ्रॉड हुआ है, जिसमें से दोस्तों आधा अमाउंट मेरा शो हो रहा है, मेरा जो क्रेडिट कार्ड का जो लॉगिन मैं कर रहा हूँ वहाँ पे कार्ड में, 2 ही ट्रांजेक्शन शो हो रहा है, बाकी का जो दोस्तों मेरा जो अमाउंट है वो शो ही नहीं हो रहा है। अब इसीलिए मुझे कहा गया कि जो चीज़ जो अमाउंट मेरा शो हो रहा है वही रिकवरी का चांस है, ठीक है, वही रिकवरी का चांस है, जो शो नहीं हो रहा ट्रांजेक्शन वो कहाँ से होगा। तो यहाँ पे बहुत सारा चक्कर हो चुका है, 14 अक्टूबर को मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है और आज कितना तारीख है, आप इस वीडियो को अभी जो देख रहे हो आप समझ लो कितना दिन हो चुका है। तो इस बीच में काफी सारा चीज हुआ है। अब यहाँ पे आप अच्छे से देखो, यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो दिख रहा है 2 ट्रांजेक्शन, ये 2 ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको शो हो रहा है, तो आप इस पे क्लेम कर सकते हो।
लेकिन जिसपे शो नहीं हो रहा उसमें मैं क्लेम कर नहीं सक रहा हूँ, जबकि मेरा पास दोस्तों 40,000 का पूरा पूरी अमाउंट जो है वो फ्रॉड हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे दोस्तों कहना चाहूंगा कि ये वीडियो जो था आज का, ये वीडियो में मैंने आपको पूरा घटना बता दिया, मतलब बिफोर घटना, दुर्घटना घटने से पहले क्या क्या हुआ, दुर्घटना क्या हुआ मैंने आपको पूरा बता दिया है। अब टाइम आता है कि ये दुर्घटना घटने के बाद मैंने क्या क्या स्टेप लिया, मैंने कहाँ कहाँ दोस्तों ईमेल किया, कहाँ कहाँ किससे कॉन्टेक्ट किया, साइबर क्राइम से क्या किया, मेरे पास क्या ईमेल किया, मैंने क्या लेटर भेजा है, मैंने मतलब ऑल ओवर थिंग्स, जो भी दोस्तों एक फ्रॉड होता है उस फ्रॉड के बाद जितना भी कुछ हो सकता है उससे मैंने 10 गुना ज्यादा मैंने किया है। अब आप अगर चाहो वो चीज जानना, वो चीज देखना, वो चीज समझना, तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ 1 part 2, ठीक है, यानी आपको part 2 वीडियो चाहिए, तो मैं दोस्तों जल्दी से वो वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। अदरवाइज दोस्तों आप अगर इंटरेस्टेड नहीं हो ये जानने के लिए तो कोई बात नहीं, मैं फिर इसके बारे में कुछ बात ही नहीं करूंगा, ये वीडियो लास्ट है, ठीक है। पर आप अगर जानने में इंटरेस्टेड हो कि इसके बाद क्या हुआ, मैंने कौन सा लेटर भेजा है, मेरा कस्टमर केयर से क्या बात हुआ, पर अगर आप ये जानने में इंटरेस्टेड हो कि मेरा क्या बात हुआ कस्टमर केयर से, कस्टमर केयर ने क्या रिस्पॉन्स किया है, साइबर टीम से मेरा क्या बात हुआ, साइबर टीम को मैंने क्या मेल किया है, क्या लेटर भेजा है, एक फ्रॉड होने के बाद क्या क्या करना पड़ता है, सारा चीज दोस्तों मैंने कवर किया हूँ, मेरे पास सारा डिटेल्स है। आप अगर चाहो दोस्तों वो वीडियो आप देख सकते हो, सारा चीज मैंने कवर कर रहा हूँ, वो वीडियो part 2 होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूँ, उस वीडियो को आप वहाँ पे जाके इसे दोस्तों पूरा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उस वीडियो में आपको आफ्टर प्रोसेसिंग जो होता है फ्रॉड का, कहाँ कहाँ मेल करना पड़ता है, कहाँ कहाँ क्या रिस्पॉन्स होता है, इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, क्या आपको वो पैसा वापस मिलता है, क्या आपको सपोर्ट किया जाता है, ये सारा चीज दोस्तों मैंने कवर कर रखा है। ये दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, आप इस वीडियो के बाद दोस्तों वो वीडियो देखो। अब दोस्तों मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ, और अपसेट में क्यों हूँ वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। पर मैं यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर ये वीडियो देख रहे हैं कोई इंडियन गवर्नमेंट का एम्प्लॉय या फिर साइबर क्राइम का एम्प्लॉय, कि प्लीज से प्लीज दोस्तों आप लोग सपोर्ट करें। आप अगर दोस्तों सपोर्ट नहीं करेंगे हमें तो कौन सपोर्ट करेगा, और आप अगर दोस्तों यूं ही अगर छोड़ देंगे तो फ्रॉड तो होगा ही ना। आज 40,000 का हुआ, किसी का 40 लाख का होगा, किसी का 40 करोड़ का होगा, लेकिन दोस्तों ये फ्रॉड होने से रोकने के लिए आपको पूरा परमानेंट दोस्तों एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। आप अगर अपना ही काम ठीक से नहीं करोगे तो आप कैसे पकड़ोगे जो फ्रॉड कर रहा है, वो जो फ्रॉड कर रहा है उनको तो दोस्तों और ज्यादा कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि हाँ और ज्यादा फ्रॉड करेगा, क्योंकि एक बच्चा भी दोस्तों जब गलती करता है उन्हें दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, हाँ बाबू तुम गलती किए हो, लेकिन अगर दोस्तों उस बच्चे को कहा ही ना जाए कि तुम गलती कर रहे हो तो वो तो गलती पे गलती किया जाएगा ना। तो आज हमारे साथ 40,000 का फ्रॉड हुआ है, हम दोस्तों एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, और 40,000 दोस्तों हम जैसे इंसान के पास कितना ज़्यादा वैल्यूएबल है वो आपको समझ में आ रहा होगा। 40,000 दोस्तों कम नहीं होता है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। बात सिर्फ यहाँ पे ये होता है कि 40,000 कमाने के लिए दोस्तों जो अमीर होते हैं उनको बहुत कम टाइम लगता है, और जो बहुत गरीब होते हैं उन्हें दोस्तों सालों सालों लग जाते हैं, और वो चीज़ 2 मिनट में कोई दोस्तों आपसे उड़ा ले जाता है, ये बहुत ही बुरा चीज़ है, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा। अब दोस्तों अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हो, इसका सेकंड पार्ट वीडियो, जिसमें दोस्तों मैंने सारा डिटेल्स शेयर किया है कैसे क्या हुआ, वो तो आपको बता दिया है, लेकिन आफ्टर इसके बाद मैंने क्या क्या प्रोसेसिंग किया, क्या मेरा कंपनी से बात हुआ, क्या मेरा लेटर्स है, क्या मेरा सब कुछ है, वो मैं आपको शेयर करूंगा उसके साथ, और उसमें आपको सारा चीज़ दिखाऊंगा भी, मैंने कॉल रिकॉर्डिंग में सारा चीज़ मैं आपको उस वीडियो में दिखाऊंगा। इस वीडियो में आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा कि आप अगर आसनसोल से बिलोंग करते हो या फिर आसनसोल से आसपास एरिया से बिलोंग करते हो, तो मैं यहाँ पे आपको आसनसोल PSI जो साइबर क्राइम का नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, आप इस पर कॉल करके अपना कॉम्प्लेंट दर्ज कर सकते हो, या फिर आप गवर्नमेंट का जो साइट है साइबर क्राइम का साइट है वहाँ पे आप जाके दोस्तों कॉम्प्लेंट कर सकते, या फिर आप गवर्नमेंट का जो दोस्तों 1930 नंबर है उस पर कॉल करके भी आप अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। इंडियन गवर्नमेंट का जो दोस्तों साइबर क्राइम का जो कंप्लेंट लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, कॉन्टेक्ट जो नंबर है वो भी मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा रहा हूँ, आसनसोल साइबर क्राइम PSI का भी नंबर मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जब कभी भी दोस्तों कोई प्रॉब्लम हो वहाँ पे कॉल कर सकते हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें अपने फ्रेंड से, अपने रिलेटिव से, अपने मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, किसी के साथ भी ये हो सकता है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ मेरे साथ हुआ है। आप आज हो सकता है क्रेडिट कार्ड यूज ना कर रहे हो, लेकिन फ्यूचर में तो करोगे ना, तब क्या होगा, कोई भी दोस्तों क्रेडिट कार्ड यूज करता ही है और आने वाले टाइम पे करेगा, किसी के साथ भी दोस्तों ये फ्रॉड हो सकता है,
उस फ्रॉड से खुद को बचाए, खुद सेफ रहे और दूसरों को भी दोस्तों सेफ रहने में मदद करें। इस वीडियो का दोस्तों एक आपका शेयर किसी के भी दोस्तों किसी के साथ भी फ्रॉड होने से उसे रोक सकता है। आज मुझे अगर ऐसा कोई वीडियो सच में देखने को मिल जाता तो मैं भगवान को थैंक्स कहता और मेरे साथ ये 40,000 का फ्रॉड हुआ है ये नहीं होता। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि मैं इतना ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन सच में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पूरा यूट्यूब ढूंढ लो कि ऐसा कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा इसमें इतना अच्छा समझाया गया आपको। और मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि मेरा जो पैसा चला गया वो तो रिटर्न नहीं आएगा, पर मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो हुआ है ना वो आपके साथ कभी हो। गलती से भी नहीं चाहता हूँ दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा दोस्तों इमोशनली मेंटली फाइनेंशियली आप ब्रोक हो जाते हो। आज मुझे आप पूछो कि मैं कौन सा दौर से गुजर रहा हूँ। ठीक है, आई होप आप मुझे समझ पा रहे हो। आपके साथ अगर ऐसा कभी ना हो, पर अगर हो तो ना ही हो तो ज़्यादा बेटर, ये वीडियो आप देख रहे हो। ठीक है दोस्तों, बहुत टाइम वेस्ट आपका कर चुका हूँ मैं, बहुत फालतू का मैं बकवास कर लिया है। आप अगर वो सब देखना चाहते हो, बिफोर फ्रॉड मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, मेरा कस्टमर केयर से क्या बात हुआ, मेरा क्या रिस्पॉन्स रहा, उनका क्या रिस्पॉन्स रहा, साइबर क्राइम का टीम से क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, क्या वो पैसा वापस आया, उसका रिएक्शन क्या है, सारा चीज़ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा। वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब चलिए दोस्तों, मिलते हैं उसी वीडियो में। थैंक यू।